राम राम सारा नमोम थारी गल्ला प्रीति को। थर फिलहाल भी मैं बुढ़ाना गांव में मौजूद हूँ और सभी साथी लगातार जुड़े भी है, मामले का भी पता है सभी साथियों ने। तो आज चौथा दिन होगा भी तालाब को है जो खाली कराया जा लग रहा है, 4 से 5 मोटर है जो लगा रखी है और दिन रात है जो ये मोटरें हैं जो चला है। तो अभी देखो भाई पानी की बात करी जावे अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन जो कोशिश इनकी जा रही है, पास्ते दिखा दे भाई एक बार जूम करके उस साइड से, तो पास्ता दिखा दो भाई। तो कोशिश अभी जा रही है, तो 12 खाप के प्रधान जो सुरेश कोत भी पहुंचे हैं और भी किसान नेता हैं जो पहुंचे हैं, तो बात करेंगे सुरेश कोत है। अभी फिलहाल मरी गिल आपने नजर आवेंगे, तो भाई आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी राय भी है जो सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है और साथ के साथ में वीडियो ने शेयर जरूर करना अभी। तो चलो भाई एक बार बात करने की कोशिश करेंगे सुरेश कोत। देखिए जो इस किस्म का या कोई भी 302 का जो मर्डर वगैरह हो जाए नहीं, उनमें 2-3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो। एक तो किस हथियार से मारा, मारने में कौन कौन थे, चश्मदीद गवाह कौन है, ये चीजें आगे जाके केस में काफी अहमियत रखती हैं। जो मुख्य मुलजिम पकड़ा गया उसके सामने, पुलिस के सामने उसने बयान दिया कि मैंने जिस वेपन से कृष्णा की हत्या करी वो दांत इस तालाब में फेंक रखे। हमने और गांव की कमेटी ने पुलिस को एक आश्वासन दिया था, वे किसी भी तरह की गांव की जरूरत होगी पुलिस प्रशासन ने तो गांव वो मदद करने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन ने गांव से मदद मांगी कि तालाब खाली करो, क्योंकि हमने वो वेपन इसमें से बरामद करना है। अब 3-4 दिन से तालाब खाली किया जा रहा है। अब हमारे पास सरपंच साहब का खाप की कमेटी के पास मैसेज गया था कि तालाब खाली हो चुका है, अब किसी समय भी सर्च अभियान चल सकता है, आप आइए हमारे साथ धोखा ना हो। क्योंकि केस में ये बहुत सी चीज़ें अहमियत रखती है कि भाई किस वेपन से हत्या की गई, उस वेपन के ऊपर कौन से बर्ड ग्रुप का खून लगा हुआ था, ये फोरेंसिक लैब में जांच भी होगी इन चीजों की, ये सारी स्टोरी जोड़ी जाती है। और जब पूरी स्टोरी एक लाइन में एक फ्लो में चलती है तभी जा करके जज इस नतीजे पर पहुंचता है कि वास्तव में इस स्टोरी में दम है और ये हत्या इस हिसाब से की गई है। गांव और पूरी खाप चाहती है कि इतना जघन्य अपराधी जिसने पहले अपराध किया फिर घर आ गया, उसके बाद जा करके डेड बॉडी का एक जयवीर भाई की हत्या करके गांव में आ गया, बाद में जा करके कुएं में डाल ली, कृष्णा की हत्या करके पहले गांव घर आ गया, उसके बाद कुत्ता ना लेकर उनका चेहरा बिगाड़ने के लिए, वह उनको पहचान ना हो, कुत्ता ने लेकर दोबारा स्टेडियम में आता है और जब कुत्ते डेड बॉडी के लगे नहीं तो दोबारा लाश का कट मार के खून निकाल के फिर कुत्ते लाए। जब इस किस्म का अपराधी है तो गांव चाहता है कि फांसी से कम इनकी सजा ना हो, और फांसी की सजा दिलवाने के लिए ये इस किस्म की कड़िया जोड़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गांव पूरा तय दिल से लगा हुआ है कि हमने कृष्णा और जयवीर को न्याय दिलवाना है, अपराधी को फांसी की सजा दिलवानी है। कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कितने लोग पकड़े गए? अभी तक 4 अपराधी पकड़े गए, मगर जिस समय ये मुख्य अपराधी का नाम आया उससे लेकर के आज तक और भी बहुत सी चीजें गांव में चल रही। एक साथी का नाम आ रहा है कि जिस समय जयवीर की हत्या हुई और वो हत्यारा जब घर आया तो राजेश नाम का गांव बुडाना का एक लड़का है वो उसके घर था, और जिस समय कृष्णा की भी हत्या हुई और हत्यारा हत्या करके घर आ गया उस समय भी और राजेश घर था। और दोनों हत्याओं में एक चीज ये बिल्कुल बराबर पैटर्न है कि हत्या पहले की गई और डेड बॉडी के साथ सबूत मिटाने की कोशिश बाद में की गई, डेड बॉडी के साथ छेड़खानी बाद में की गई। यह इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि हो सकता है कि ये राजेश नाम का व्यक्ति ही ये सारे चीज करवाने वाला हो, इसलिए पूरा गांव उसको शामिल तफ्तीश चाहता है।
पूरा गांव चाहता है इसकी इंक्वायरी हो, इसके फोन वगैरह जो ये ले रहा है इसके सारे फोन वगैरह चेक हो, ये कब था कहाँ था। तीसरी ओर इसने एक घटना करी, जब ये मुख्य अपराधी पुलिस ने उठाया तुरंत पुलिस में फोन करता है कि ये आपने गलत आदमी उठा लिया, ये निर्दोष है। पुलिस वाला जिसके पास उसने फोन किया वो कहता है भाई तो गांव वाला ने कह रहा क्या भाई, चाहे पुलिस का कोई आदमी मिलो गांव का कोई आदमी मिलो कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, इव तो यूँ इसकी तफ्तीश होगी। और जब वो उसने कबूल कर लिया तो वो पुलिस का अफसर उसने कहा रहा तू कहता निर्दोष है, इसने तो सारी मान ली, फिर कहता मैं जीरी काट रहा हूँ, यानी उसकी एक्टिविटी बिल्कुल संदिग्ध है। और अब 4 दिन से सर्च अभियान चल रहा है, गांव का एक 5 साल के बच्चे से लेकर के 95 साल तक का बूढ़ा एक बार तालाब पे जरूर आ लिया होगा, मगर वो भाई गांव में आज है ही नहीं। हम तो फरारी मानेंगे भी करा दो जाके नहीं आया मैं में, मगर जब का उसका जो जिक्र चल रहा है वो हो सकता है और उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। तब से वो आदमी बुढ़ाना है किसी आदमी ने देखा नहीं, इसलिए प्रशासन से हमारी प्रार्थना है उस आदमी को शामिल तफ्तीश कराया जाए, उसकी पूरी इंक्वायरी की जानी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं निर्दोष कोई फंसे ना और दोषी कोई बचे ना। देखिए मर्डर तो हो सकता है एक्सीडेंटली भी जयवीर का तो हो, मगर कृष्णा का एक्सीडेंटली मर्डर हम मानने के लिए तैयार नहीं, हमारा दिमाग नहीं मानता। मगर जो डेड बॉडी को खुर्द बुर्द करना, उसको कुएं में डालना या उनका कट मार के कुत्ते लाना कृष्णा के या जयवीर को कुएं में डालना, ये बगैर समझ के नहीं हो सकती। ये एक्सीडेंटल मामला नहीं है, ये पूरे प्लानिंग के तहत किया गया है। इस प्लान में कौन कौन है यही चीज़ हम सामने आनी बाकी है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन सबसे पहले वेपन ढूंढे, उसके बाद पूरी थ्योरी जो स्टोरी थी सारी की सारी जनता के सामने एक बार प्रशासन ले आए। अगर वो स्टोरी सही लगी तो भाईचारा पूरी खाप और भाईचारा पूरा बुढ़ाना काम स्वागत करेगा, अगर उसमें कोई कमी लगी सवाल करेंगे, अगर पुलिस प्रशासन ने ढलमिल रवैया अपनाया, केस को मोड़ने की कोशिश करी, हथियारों को बरामद नहीं किया या सही तरीके से सबूत इकट्ठे करके और दोषी को जो सबूत लेकर के अपराधी को सजा करवाने में कहीं ढील रखी, तो उसके बाद फिर खाप फिर कड़ी होकर के फिर सरकार से और प्रशासन से सवाल करें। हो सकता है, हो सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है, जिस किस्म की चीज़ें निकल के आ रही है। अब एक बात है, एक वीडियो चल रही है, 13 साल का एक लड़का है वो इस केस में 302 लगली CIA में बैठे और शेयर कर रहे हैं, शेर नहीं बस शेर शायरी शायरी कर रहे हैं, क्या मानोगे आप उस चीज़ को? यानी वो इतना परिपक्व है, इतना वो दपरा उसका ब्रेन वॉश कर रखा है किसी ने, या अपने आप वो इतना संकी है कि उसका खोप ही नहीं। सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है बुढ़ाना के लिए वो, क्योंकि वो आज के दिन नाबालिग है और नाबालिग की धाराओं के तहत उसकी सजा कम होगी, वो तो आगे आने वाले टाइम में और गणा सिद्ध है। एक और बात मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, जब मुख्य दोषी आया उसके खून के छींटे थे उसके कपड़ों पे, उसकी माँ ने वो कपड़े फूंक दिए, जो तबीजी और बाड़ी लेके गया उसकी माँ थी दे उसकी माँ ने वो छुपा दी, जो मुख्य अपराधी 19 साल का है, क्या 13 साल का जो लड़का है उसके कपड़ों पे खून के छींटे नहीं हो सकते? उसके कपड़े किसने जलाए या उसके कपड़े किसने धोए? ये सवाल तो बाकी है ना, इन सवालों का सबका जवाब चाहिएगा हमने, और सबके जवाब हम मांगेंगे, मगर समय आने पर मांगेंगे। अभी कल 13वीं होगी कृष्णा की, 13वीं के बाद हम दोबारा रिव्यू मीटिंग करेंगे, सारी गांव के लोग हमारे को जिस मौके भी उचित माहौल समझेंगे मीटिंग बुलाएंगे, खाप के मेन आदमी आएंगे और इन सारे फैक्टों के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो जो चीज़ें रह रही होंगी हम प्रशासन से मांग करेंगे। अगर प्रशासन हमारी सुनेगा ठीक, वरना भाई हमने तो सारी जिंदगी संघर्ष में औरतों को भाषा नहीं जान दे, हम तो न्याय मांगने वाले लोग हैं, अगर न्याय मिल जाए स्वागत करांगे, न्याय नहीं मिलेगा तो संघर्ष करांगे। प्रधान जी, जो मुख्य आरोपी आपने बताया उनका परिवार का सदस्य कोई पुलिस के द्वारा उठाया गया? भाई मेरे को हमारे को तो सूचना 4 आदमी है इसमें, मुख्य आरोपी है, एक को हम मुख्य आरोपी मान सकते, मगर आप आरोपी तो सभी है। एक बात बताइए आप,
जो जिसने कपड़े दिला दिए टू मंदिर रख ली, क्या वो अपराधी नहीं है? जो 10-11 दिन से उसका उसके बच्चे हत्या कर रहे हैं और वो गांव में बिल्कुल चुप है, उसका बाप कमेटी का मेंबर बन गया के कमेटी न्याय दिलवाने के लिए बन रही है, और वो अपराधी का पिता न्याय दिलवाने वाली कमेटी का मेंबर बन गया, इतना गांव को गुमराह कर रहा, क्या वो अपराधी नहीं है? ये सारे के सारे अपराधी हैं मेरे भाई। एक मुख्य अपराधी मान लें यहाँ पे, बाकी सारे अपराधी हैं, और ये सारे के सारे ने ये बाद में चीजें छुपाने के लिए पूरी मेहनत करी है, गांव को गुमराह भी किया गया है, और यहाँ तक कोशिश की गई है कि जयवीर के परिवार को ही, जयवीर के मर्डर में जयवीर के परिवार को ही ब्लेम करके पकड़वा दिया जाए। बाकी तुम दिशा घुमा दो पुलिस की और तुम सारे के सारे बच जाओगे। बहुत कोशिशें करी गई इसमें प्रधान जी, जैसे कि मतलब राजेश का नाम है, राजेश कौन है ये राजेश? ये जो लड़के हैं जो मुख्य अपराधी है, इसका बिल्कुल क्लोज का साथी है, इसका सारी सुख दुख का साथी, हर चीज इसके साथ ही शेयर करता है। इस राजेश का ही नाम आ रहा है कि जयवीर की हत्या करके जब हत्यारा घर आवे राजेश ही घर मिलता है, और कृष्णा की हत्या करके भी जब आवे तो राजेश ही मिलता है, और जब ये मुख्य अपराधी गिरफ्तार होता है तो राजेश ही थाने में फोन करता है, तो इसको ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है गांव के अंदर। इसीलिए हम प्रशासन से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको शामिल तफ्तीश करो, पता लगाओ इसका कितना दोष है, और फिर गांव को बताओ इसका इतना दोष है। कल मीटिंग है तो भाईचारे की होगी प्रशासन के साथ? नहीं, कल मीटिंग नहीं हमारी, कल 93 है, कृष्णा की 93 है, 93 के बाद मीटिंग होगी, वो गांव की कमेटी तय करेगी। ये गांव पे हमने छोड़ रखा है, गांव की कमेटी जब भी खाप को बुलाएगी, खाप 24 घंटे हाजिर, हम अभी भी गांव के बुलावे पर आए हुए हैं। गांव के सरपंच ने कहा, गांव के सरपंच ने हमारे को टेलीफोन किया था, हमारे प्रधान को, कि आप आइए, तालाब खाली हो गया, कभी भी सर्च अभियान चल सकता है, सर्च अभियान में आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ धोखा ना हो, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं, और जब भी गांव की कमेटी बुलाएगी हम तुरंत हाजिर होंगे। पहले भी गांव के बुलावे पर आए थे, पहले संघर्ष में भी, अब भी गांव के बुलावे पर आ रहे, आगे भी गांव जब बुलाएगा हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। प्रधान जी, जैसे कि मतलब उसको बार बार पुलिस यहाँ पे लेके आ रही है और उसके चेहरे पे मतलब 1% भी डर और शर्म की बात नहीं है, मतलब उसके चेहरे पे स्माइल है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? उसका ब्रेन वॉश किया हुआ भाई जी, उस लड़के का। देखिए एक बात बताऊं, ये छोटी बातें नहीं होती। एक आतंकवादी का उदाहरण इसमें सबसे फिट बैठेगा। एक आतंकवादी अपनी छाती पर बम डाल के दूसरे लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसको किस तरह तैयार किया जाता है? बार बार किसी एक टॉपिक के ऊपर गणना बढ़ दी जाती है। इस लड़के को बिल्कुल तैयार किया हुआ अपराधी है, ये अपनी बुद्धि से सोचता ही नहीं, ये किसी दूसरे के कहने पे बिल्कुल ब्रेन वॉश इसका हो रहा था, और ये इसके दिमाग में पता नहीं तो जातीय जहर पर रखा था, पता नहीं इसके दिमाग में भी रखा था सारा बुढ़ाना डराना है, एक बार दहशत फैलानी है, तो हो सकता है कौन सा सौदा हो इसका, वो तो पुलिस वाले जाने, मगर सच्चाई ये है कि अपने दिमाग से सोचने समझने वाला इतना बड़ा अपराध होने के बाद नजर ही नहीं उठा सकता, सोचने समझने वाला, ये सोचने समझने वाला बच्चा नहीं है, बिल्कुल संकी टाइप का लड़का लगता है। पुलिस का देख 13 के बाद जो मीटिंग होगी परिवार की लेवल की मीटिंग होगी या फिर भाईचारा 12 खाप की मीटिंग होगी? मैंने आपको पहले बता दिया, वो मीटिंग गांव की कमेटी तय करेगी, सारे फैक्ट गांव की कमेटी के पास है, वो खाप को बुलाएगी, खाप की कमेटी और गांव की कमेटी एक बार मीटिंग करेगी, सारे फैक्टों के ऊपर चर्चा होगी, हमने जरूरत पड़ी बड़ी मीटिंग बुलाने की बड़ी मीटिंग बुलावांगे, हमने जरूरत पड़ी प्रशासन से कोई मांग करने की मांग करेंगे, हमने जरूरत पड़ी भाई सारा मुद्दा लो ओ जे मान लो तो हमने जरूरत पड़ी स्वागत करने की स्वागत करांगे, वो मौका भी देखा जाएगा। जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है जो काफी बार कमेंट में आने लग रहा है सर, भाई एससी एक्ट का है, मतलब ये परिवार बार बार फायदा उठाने लग रहा था, तो यही है मौके पे, तो मतलब एससी एक्ट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने लग रहा है, और एक साथ ही कमेंट इस चीज में हम इसके साथ जोड़ना चाहेंगे, ठीक है वो भविष्य नहीं, इसने तो आप बिल्कुल बंद कर दो चैप्टर, क्योंकि गांव का भाईचारा में हो गया होगा, पहला गांव का भाईचारा में पहला हो गया होगा, इसमें 36 बिरादरी की कमेटी, 36 बिरादरी के लोग, 36 बिरादरी के भाई इसमें सिर्फ न्याय चाहते हैं, उन कंट्रोवर्सियों में हम बढ़ना ही चाहते हैं। प्रधान जी, जो आरोपी है पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे इसका? गाँव में 2-4 घटनाओं में बताया जाता है,
गांव में कोई चक्कूबाजी की घटना हुई, एक हमारा समार समाज के बच्चे का चक्कू मार रखे थे, एक कोई लड़की के भी इन्होंने सुए वगैरह मारने की कोशिश करी, तो इस किस्म की घटनाओं में शामिल रहे हैं ये परिवार। मगर उस किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा कि भाई फलाने केस में इनकी सज़ा होगी 2 साल की 7 साल की 10 साल की, वो नहीं था। इसलिए एसपी साहब जो बोल रहे थे भाई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, एसपी साहब और पुलिस अधिकारियों का देखने का अपना नज़रिया होता है, वो उसको अपराधी मानते हैं जो कोर्ट में साबित हो चुका हो, जिसको अपराधी घोषित किया जा सकता हो। समाज में उसने अपराधी माना जिसने अपने एक्टिविटी तो देखना चाहे, बाद में पंचायत ने समझौता करवा दिया हो, लेकिन समाज में अगर नहीं आ गया भाई गलत है तो गलत है, समाज अलग तरीके। जयवीर की हत्या तो एक दिन पहले जी एक लड़की को भी जो दांतों के साथ में काटा था। हाँ वही तो घटना में बता रहा, दांतों के साथ काटा था, उस दिन सुवा ले रहा था, सुवा लड़कियों ने खोज लिया और दांतों से काट लिया। धन्यवाद जी।